अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए, जेल हुक्काम हथकड़ियां लगाकर डायरेक्टर सरगोधा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अक्रम को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर आए। प्रोफेसर अक्रम को आरजाए कल्ब में मुब्तला होने के बावजूद हथकड़ियां लगाई गई। पेट्रोल लेना है तो हेलमेट पहन के आओ, हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। बिना हेलमेट ईंधन देने वाला पंप सील कर दिया जाएगा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, हेलमेट पहनो पेट्रोल लो, पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी नोटिस लगा दिए। नॉन स्टॉप महंगाई, नान रोटी भी महंगी। नए पाकिस्तान में नान रोटी के लाले पड़ गए। कहीं गैस प्रेशर, कहीं एलपीजी और लकड़ी महंगी होने का रोना। तनूर माफिया भी खुद सर हो गए। रोटी 2 रुपए महंगी कर दी, 10 रुपए वाला नान 12 रुपए में मिलेगा। घरों में गैस गायब, बाहर से रोटी महंगी, आवाम दोहरी अजियत का शिकार। नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिलबिला उठे। महंगाई की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, शहरियों की दुहाई। घरों में गैस नहीं आती, तंदूरों पर जाएं तो नान भाइयों ने नान महंगे कर दिए। कहां से रोटी पकाएं, क्या खाएं, शहरियों के हजार शिकवे। जो तो गैस नहीं जी आती, फिर तंदूर ने महंगी लकड़ खरीदनी है ते नान तो अपने आप इन्होंने महंगा करना है। ठीक है, जो असं अगे 10 रुपए लेंदे हूँ असं 15 रुपए लैन लग पे। नान इस वक्त 12 रुपए का और रोटी 10 रुपए की हो चुकी है। घरों में गैस नहीं आ रही, बाहर से गैस लेने जाएं तो 180 रुपये 200 रुपये गैस मिल रही है। यहाँ तो हम अपने बच्चे चौकों में ला के उनको भी आग लगा देते हैं, अपने आप को भी आग लगा लेते हैं। हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, गवर्नमेंट ने हमारे पर एक और धमाका दे दिया है, नान 12 रुपए का कर दिया। इन्होंने बड़े दावे किए थे कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आई कहाँ पे? तब्दीली ये आई है, गैस बिजली और पानी को महंगा कर रहे हैं ये। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, वजीर आला से, कि इस बात का नोटिस लें। अवामी रिक्शा यूनियन एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का एलपीजी माफिया और जिले इंतजामिया के गठजोड़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में रिक्शा ड्राइवर्स, खातीन और बच्चों की भी शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, इंतजामिया ने यकीन दहानी के बावजूद एलपीजी की कीमतें कम नहीं की। मजीद गौरी की गुफ्तगु। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहबर हमरा, शिमला पहाड़ी के एतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। ये है नया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंतहाई खुश। वज़ीर-ए-आला पंजाब की देहाती साहिलीन से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर की अहमियत 1000 अल्फाज से ज्यादा है, इमरान खान का ट्वीट। क्या नए पाकिस्तान में यही मेरिट है? आपने ऐसे मुल्क चलाना है। डॉक्टर वसीम को निश्तर अस्पताल इसलिए लगाया कि वो वजीर आला बुजदार का सिफारिशी है। निश्तर अस्पताल मुल्तान तकरूरी केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी सेहत पर बरस पड़े। हम डॉक्टर वसीम की तकरूरी का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं, सेक्रेटरी सेहत अब आप रहने दें, कल VC निश्तर को पेश करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार, किसका किससे क्या ताल्लुक है सब मालूम है, अब सियासी दबाव से निकल आए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बाऊजी को जेल में कुलसूम नवाज की याद सताने लगी। आज वालिद नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल गई थी। वालिद से पूछा कि घर से कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कुलसूम की तस्वीर ला दें, मरियम का ट्वीट। और सर्द शाम में म्यूजिक का तड़का, गुलबर्ग में सजी रंगारंग महफिल मौसीकी, गुलकारों ने अपनी आवाज के जादू से शुरका पर सहरदारी कर दिया।